हेलो एंड वेलकम टू अवर मैथ्स लेक्चर। दिस इज अवर डे 6 ऑफ द 7th स्टैंडर्ड मैथ लेक्चर। टुडे वी आर स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 6। अभी तक हमने अलग अलग कंस्ट्रक्शन देखे जो हमें ट्रायंगल्स फॉर्म किए थे। अभी हमें क्या करना है कि जो हमने बेसिक चीज़ें इन द कंस्ट्रक्शन और ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, वो हमें अभी क्या करनी सीखनी। ओके, प्रैक्टिस सेट 6, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। हमें क्या करना है कि नीचे हमें क्या दी गई, एक फिगर दी गई, देखो कि इसके अंदर हमें क्या बोला गया कि पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। पेयर मतलब दो चीज़ों की जो पेयरिंग होती है वो पेयर होते हैं। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों की जो लेंथ होगी, लाइन सेगमेंट है मतलब उसकी क्या होगी, एक मेजरमेंट होगी, जैसे 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट की क्या करनी है हमें यहाँ पे वो पेयरिंग बनानी। ओके, अभी देखो कि जैसे हम वहाँ पे हमें इसमें दिया गया है ब्रैकेट में, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड एन डिवाइडर। आपको पता है कि आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में जैसे कंपास है, सेम तरीके से दूसरा जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर क्या कि जो आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो। ओके, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्केल का यूज़ करके ही हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, क्या इक्वल। और लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब क्या कि जिसका जी लेंथ होती है और मेजरमेंट होती है वो कन्फर्म होती है, वो आगे बढ़ती नहीं, जैसे जी टू बी जो डिस्टेंस होगा वही कन्फर्म होगा, उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। अभी हम क्या करेंगे कि इसके हमें क्या करने, 4 पेयरिंग ऐसे बताने कि जो इक्वल पेयर्स हो, पेयर ऑफ दी लाइन सेगमेंट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो लाइन सेगमेंट दी उसकी क्या कर लेंगे, पहले जो मेजरमेंट है ना वो हम कर लेंगे, तो आसानी से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो आपके पास स्केल होगी, स्केल का यूज़ कीजिए या डायरेक्टली डिवाइडर यूज़ किया फिर भी चलेगा। ठीक है, अभी देखो कि मैं एन पॉइंट पे रख के जी तक क्या करूँ, एन टू जी, देखो एन टू जी कितना है, 2.4 है, कितना है 2.4 है, कितना 2.4 है, 5 भी नहीं है कंप्लीट, 5 यहाँ पे आ रहा है, 2.4 है। ठीक है, ये अभी बी टू जी देखते हैं कितना है, ये भी कितना आ रहा है, ये देखो सेम तरीके से जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मैंने सेम तरीके से सेम मेजरमेंट की यहाँ पे फिगर बनाई है, ये देखो फिर से 2.4, कितनी नहीं, यहाँ पे 2.2, ये देखो 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये क्या है 2.9 है। उसके बाद M2G डिस्टेंस देखो, ये देखो 0 पे रखा और यहाँ पे, मतलब ये फिर से क्या है 2.4 है। सेम तरीके से G2D डिस्टेंस, ये क्या है 1.9 तक आ रहा है, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे लगती हूँ मैं प्रॉपर वे से 1.9 तक आ रहा है। फिर से G2E, ये भी क्या आ रहा है फिर से 2.4। अब ये G2C नेक्स्ट वन, ये क्या आ रहा है 2.9, कितना आ रहा है 2.9। ओके, अभी आपने देखा होगा कि अलग अलग मेजरमेंट जब हमने लिए तो एक 2.4 का है, एक 2.9 का है और एक जो है वो कितना है वहाँ पे 1.9 का है। ठीक है, अभी हम पेयर्स बनाएंगे कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट के। जैसे देखो ये जो है एन टू जी, ये भी क्या है 2.4, उसके बाद जी टू सी ये अलग है, तो ये देखो जी टू एम देखते हम, जी और यहाँ पे एम, ये भी क्या है 2.4 है। तो मतलब ये दोनों की जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट सेम है, मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो उसे कैसे लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट जी एन, आप जी एन लिखो या एन जी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट वाला सेगमेंट जी एन, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट की कैसे कहते हैं सिंबल कॉन्ग्रुएंट। ओके, मतलब इक्वल, सेगमेंट जी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी एम, सेगमेंट जी एम। ओके, फर्स्ट पेयरिंग हो गई। अभी क्या करते हैं कि सेगमेंट जी एन को जी आर से कंपेयर करते हैं।
सेगमेंट जी एन की मेजरमेंट क्या है? वेरी गुड, 2.4। अभी जी आर की करते हम, ये देखो यहाँ पे जीरो पे रखा और यहाँ पे ये एग्जैक्ट 2.4 आ रहा है, मतलब ये जी एन और जी आर भी क्या आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो उसे भी लिखेंगे सेगमेंट जी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर, ऐसे लिखते, ठीक है। अभी थर्ड वन और लेते, अभी देखो सेगमेंट जी एम ये भी 2.4 है और सेगमेंट जी आर ये भी 2.4 है, तो ये दोनों भी क्या आएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं फिर से लिखूंगी सेगमेंट, जैसे सेगमेंट जी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर, ओके ये हो गए। अभी और एक लेते हम, अभी 2.4 किसकी, और जैसे हमने स्टार्टिंग में मेजरमेंट की, एक देखो मैं फिर से एक बार, ये तो 1.9 है। अभी जी की मेजर करते फिर से, देखो ये 2.4 है फिर से, मतलब 2.4 और सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट इससे इससे और इससे क्या कर सकते हो आप, कंपेयर कर सकते हो। जैसे सेगमेंट जी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर, ओके। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी पेयरिंग बनेगी, बट हमें कितनी बनानी, सिर्फ 4 बनेगी। देखो ये वाला जी एन, ओके, उसके बाद जी एम, जी ई और जी आर, ओके। ये 4 की जो मेजरमेंट है, लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है, वो क्या है, 2.4 आ रही। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे से, मतलब जी एन जी एम से कॉन्ग्रुएंट, ओके, जी एन जी से कॉन्ग्रुएंट, जी एन जी आर से कॉन्ग्रुएंट, सेम तरीके से जी एम जी से कॉन्ग्रुएंट, जी ई जी आर से कॉन्ग्रुएंट, ओके। ऐसे हम उसे क्या कर सकते, अलग अलग वैसे लिख सकते हो। आ रहा है समझ में सबको, वेरी गुड। अभी देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, सेम से फिर से हम क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट है ना उसका डिस्टेंस इक्वल, उसके बेस ही हम ये क्वेश्चन करने वाले। देखो ऑन दी लाइन बिलो, एक लाइन दी गई हमें नीचे, डिस्टेंस बिटवीन ए एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स, एक के बाद एक आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, शोन ऑन इट्स इक्वल, मतलब उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो डिस्टेंस है वो सेम है। मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि नंबर, जैसे स्केल यूज़ करके मैंने यहाँ पे क्या किया, वहाँ पे वो बनाई लाइन बनाई। देखो जैसे ये 1 to 2 है, 2 to 3 है, 2 3 to 4 है, मतलब जैसे क्यू पी जो डिस्टेंस है वही पी जेड का डिस्टेंस है, वही जेड वाई का है, वही वाई एक्स का है, वही एक्स डब्ल्यू का है, वही डब्ल्यू ए का है, वही ए बी का है, वही बी सी का है। मतलब टू इक्वल पॉइंट्स में, ये जो इक्वल पॉइंट्स है उसमें डिस्टेंस क्या है, सेम, जो एडजॉइनिंग है, मतलब एक के बाद आने वाले, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बोली गई हमें, वो देखेंगे कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से। जैसे अभी फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, अभी देखो हमें बोला गया है कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट ए बी का डिस्टेंस कितना है, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो इससे कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, तो कि जिसका डिस्टेंस, मतलब जो मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर ही आए, वेरी गुड। बी सी हो सकता है, वो भी 1 सेंटीमीटर ही, डब्ल्यू ए भी हो सकता है, एक्स डब्ल्यू भी हो सकता है, वाई एक्स भी हो सकता है, जेड वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है, और क्यू पी भी हो सकता है, मतलब अलग अलग उसके क्या आएंगे, आंसर्स आएंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक आंसर लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेगमेंट डब्ल्यू ए, क्या सेगमेंट डब्ल्यू ए। अभी सेकेंड क्वेश्चन देते हैं, सेगमेंट ए पी, आपको क्या करना है, जो मेजरमेंट है वो कितना है वो देखना है, ठीक है, वो 1 यूनिट है या 2 यूनिट है उसे देखना है, और सेगमेंट अभी ए पी, ए टू पी, अभी ये कितना डिस्टेंस से देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब कितना डिस्टेंस है, डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट का, कितना 5 यूनिट का डिफरेंस है, ओके। तो सेम तरीके से हम कोई भी क्या कर सकते हैं, सेगमेंट ले सकते हैं। जैसे समझो मैंने लिया वाई, लिया क्या वाई, तो फिर से हम वाई का क्या करेंगे, काउंट कौन इस साइड पे करो, 1 2 3 4 5, वो भी आ सकता है। समझो आप सी से ले रहे हो, तो सी से क्या आएगा, 1 2 3 4 वाई, मतलब
वाई सी ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। आप क्यू से ले रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब क्यू डब्ल्यू भी ले सकते हो। मतलब सिर्फ जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस सेम आना चाहिए, मतलब मेजरमेंट सेम आना चाहिए। जैसे देखो हमें ए पी दिया गया है, जैसे ए पी में मेजरमेंट करूँ से ए टू पी, ए टू पी ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5, देखो ए टू पी ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो सेम तरीके से समझो मैं यहाँ पे रखती हूँ क्यू पॉइंट पर 5 रखती हूँ, तो ये किस पे आएगा डब्ल्यू, मतलब क्यू डब्ल्यू एक पेयर हो जाएगी। जेड पे रखती हूँ तो 5, तो यहाँ पे क्या आएगा बी पॉइंट आएगा। सी पे रखती हूँ तो वाई पॉइंट, मतलब अलग अलग यहाँ पे क्या आएगी आपकी पेयरिंग आएगी। उसके मैं लिखती हूँ यहाँ पे सेगमेंट वाई सी, वाई सी क्यू 1, 2, 3, 4, 5। ओके आ रहा है समझ में आप लोगों को, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं थर्ड नंबर, दैट इज सेगमेंट ए सी। ए सी अभी ए सी में कितना डिफरेंस है वो दिखते हैं, कितने यूनिट का। ए टू बी 1 एंड B टू C 1, मतलब 1 प्लस 1 2 यूनिट, कैसे 1 2, कैसे 1 और 2। तो हमें क्या करने, कोई भी दो ये लेने पॉइंट्स ले लें कि जिनके अंदर 2 यूनिट का डिस्टेंस हो। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डब्ल्यू बी, ओके, उसके बाद वाई डब्ल्यू, पी वाई ये भी 2 यूनिट का, क्यू वाई ये भी 2 यूनिट का, या आप जेड डब्ल्यू एक्स ऐसे भी ले सकते, कोई भी ले सकते आपके हिसाब से। सिर्फ उनके मेजरमेंट भी क्या होने से सेम से, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस है। अभी ए सी, तो ए सी से मैं क्या लूँगी यहाँ पे वाई डब्ल्यू, सेगमेंट वाई डब्ल्यू इसका आंसर, और कोई और भी आ सकते, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है, सेगमेंट डैश डैश इट्स कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई। अभी मुझे बताओ कि बी वाई कितने वन यूनिट है, जो डिस्टेंस है जो लेंथ है वो कितने यूनिट की बताओ। तो बी कहाँ पे, यहाँ पे, ओके, वाई यहाँ पे, मेजर करो 1 2, वेरी गुड, 3 एंड 4, मतलब कितने 4 यूनिट। तो आपको सेम तरीके से क्या करने, ऐसे दो पॉइंट्स लेने कि जिनके अंदर 4 यूनिट का डिफरेंस हो। तो मैं समझो क्यू से स्टार्ट करती हूँ, तो देखो 1 क्यू छोड़ देना है, 1, 2, 3, 4, तो क्या आएगा क्यू एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी क्यू एक्स, ओके आ रहा है समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, सेगमेंट डैश डैश इट्स कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू। अभी फिर से आप करो तो वहाँ पे कि कितने यूनिट डिफरेंस है वाई टू क्यू, वाई यहाँ पे और क्यू यहाँ पे, बताओ। वेरी गुड, 3 यूनिट का, मतलब 1P तक, 2 एंड 3 क्यू के बाद, 1, 2, 3, मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो सेम तरीके से अभी देखो कौन से पॉइंट में 3, मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस आएगा। करो तो कोई भी चूज़ करो पॉइंट, देखो मैंने जेड चूज़ किया, तो देखो जेड 1, 2, 3, मतलब क्या आया जेड डब्ल्यू, क्या आया जेड डब्ल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सेगमेंट जेड डब्ल्यू, ओके। आप कोई और भी ले सकते हो, आप समझो डब्ल्यू ले रहे हो तो कैसे आएगा 1, 2, 3, मतलब डब्ल्यू सी, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर, दैट इज सिक्स नंबर, सेगमेंट बी डब्ल्यू और किससे कॉन्ग्रुएंट है वो दिखाएंगे। अभी बी और डब्ल्यू कितने यूनिट का डिफरेंस है वो देखते हैं, ठीक है। अभी देखो बी यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, कितने यूनिट का डिफरेंस है देखो तो, वेरी गुड 1, 2। तो सेम तरीके से ऐसे दो पॉइंट्स चूज करो कि जिनके बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस हो, कोई भी ले लो आप, ओके। मैं वाई लेती हूँ तो वाई से यहाँ पे आएगा 1, 2, P आएगा, और राइट हैंड साइड को लेती तो वाई और यहाँ पे डब्ल्यू, तो मैं लिखूँगी पी वाई, दैट इज सेगमेंट पी वाई, देखो 1, 2, ओके आ रहा है समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे क्या हुआ,
प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छी तरह से उसे राइट वर्क करना है, राइटिंग वर्क करना है। और अभी हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या सीखने वाले, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होगी, अभी हमने सीखा क्या, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस। जब लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस होते तो कैसे कैसे होता है, कैसे हम वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो सेम तरीके से आपको क्या करना है, एंगल्स का देखना है।